रायपुर पुलिस की कार्रवाई, 28 लीटर अवैध शराब जब्त कर शराब ठेकेदार रिंकू भाटिया सहित दो अन्य लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज। राजपुर पुलिस ने आज अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चुला शराब ठेकेदार इंदौर निवासी रिंकू भाटिया के खिलाफ 28 लीटर अवैध शराब का परिवहन करने में दो अन्य लोगों के साथ मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक मोटरसाइकिल पर दो लोग बोरे में भरकर अवैध शराब लेकर जा रहे हैं, जिस पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों युवकों को हिरासत में लिया, जिनके पास से 28 लीटर शराब जब्त की। और जब उनसे पूछताछ की तो पुलिस ने जाना कि उक्त शराब का ठेकेदार रिंकू भाटिया के ठेके से लाई जा रही थी, जिस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जहां दोनों युवकों को हिरासत में लिया है, वहीं रिंकू भाटिया के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल शराब ठेकेदार रिंकू भाटिया पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाया है। पुलिस अधीक्षक बड़वानी श्री निमिष अग्रवाल साहब के निर्देशानुसार लगातार जिले में अवैध शराब, अवैध सट्टा जुआ, अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज जरिए मुखबिर सूचना मिली कि अंग्रेजी शराब दुकान से दो व्यक्ति एक बाइक पर बोरे में रख के कुछ शराब की पेटियां लेकर गांव में बेचने के लिए गए हैं। इस सूचना पर तत्परता से कार्रवाई की गई और उन दोनों युवकों को पकड़ा गया, जिनके पास से एक बोरे में 3 पेटी बियर की और 25 क्वार्टर प्लेन मदिरा के, इस प्रकार से कुल मिला के 28 लीटर से अधिक शराब पकड़ी गई। और दोनों आरोपीगण में एक विपिन पिता राजेंद्र गौतम उम्र 22 साल और दूसरा अमित पिता विकास सिंह उम्र 25 साल, इन दोनों को शराब जब्त कर इनको गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से शराब के अतिरिक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है और अंग्रेजी शराब के ठेकेदार जिसके द्वारा एक कृत्य कराया गया उसके विरुद्ध भी कार्रवाई आबकारी एक्ट के अंतर्गत की जा रही है। सर, कौन है ठेकेदार? ठेकेदार रिंकू भाटिया है, जिनके विरुद्ध कार्रवाई होगी।